हेलो दोस्तों, आज प्रेगनेंसी से इसकी वीडियो में हम आज बात करेंगे रेडी टू ईट फूड के बारे में। ये रेडी टू ईट फूड है, यह महतारी व प्रेग्नेंट महिला के लिए है, गर्भवती महिला के लिए। ये बहुत ही अच्छा फूड है रहने के लिए। यह किसी भी मार्केट या दुकान में मिल जाता है, ये सरकारी संस्था में भी मिलता है। इसे गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है ये चीज़। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये गर्भवती महिला के लिए है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इसके फायदे बहुत अनेक है। इसमें बहुत चीज़ें मिले होते हैं, महतारी शक्ति हार में, रक्त अवयव उनकी मात्रा प्रतिशत में, खाद्य सामग्री है गेहूँ, चीनी, चना, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन तेल, रागी। गेहूँ है 30%, चीनी है 27%, चना है 20%, सोयाबीन है 10%, मूंगफली है 5%, सोयाबीन तेल है 5% और रागी है 3%। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है रहने के लिए। ये बहुत ही प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही सहायक है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है पूरा। इसमें कैलोरी होता है बहुत ही मात्रा में। इसमें कैलोरी 600 है इसमें, और प्रोटीन है 18 से 20% है इसका प्रोटीन। और इसका ये बहुत ही अच्छा है रहने के लिए प्रेग्नेंट महिला के लिए। इसे प्रेग्नेंट महिला को अवश्य खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये रेडी टू ईट फूड। इसमें रहने के लिए दालिया जैसे इसे ये सभी चीज़ों गेहूँ, चना, ये सोयाबीन, मूँगफली, ये सभी का मिश्रण होता है एक ठो। ये प्रोटीन और कैलोरी से भरपूर होता है ये आहार। ये उपयोग के निर्देश दिए गए हैं, कटे फटे उपयोग न करें ये। और इसको उपयोग करने से पहले अवश्य ध्यान दें कि इसका एक्सपायरी डेट को अवश्य देखें, कौन से डेट में बना है और कौन से माह तक इसका सुरक्षित रहने का दिन है। उतने दिन तक इसको उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद ख़राब हो सकते हैं, उसका दिन देख सकते हैं एक्सपायरी डेट। चलिए इसका देखते हैं उपयोग विधि। उपयोग विधि है रेडी टू ईट फूड तैयार करने हेतु रेडी टू यूड ईट फूड के लिए निर्धारित मात्रा लें। अपनी निर्धारित मात्रा के अनुसार जितना खा सकते उतना ले सकते हैं आप। उसके बाद निर्धारित मात्रा में 2.5 से 3 गिलास गुनगुना पानी सुरक्षित है वह दूध लेकर साफ बर्तन में उबालें। इसे दूध ले लें, उसका साफ बर्तन में उबालें। तीसरा है उबलते हुए पानी में दूध में रेडी टू ईट की मात्रा मिलाकर 2-3 मिनट तक बीच बीच में चम्मच से खोदने उसे हिलाते रहें, खोते रहें। उसके बाद चौथा है पके हुए रेडी टू ईट में उसे गैस उतार दें। इसे 3 से 4 मिनट तक इसे ठंडा होने दें और ढक दीजिए इसे। उसके बाद पांचवा निर्देश है रेडी टू ईट फूड खाने के तैयार। रेडी टू ईट तैयार करने के बाद ज़्यादा समय तक ना रखें इसको। छठवा है रेडी टू ईट निर्धारित दैनिक सम मात्रा में दिन में 2 से 3 बार पानी व दूध मिलाकर उपयोग करें। उसके बाद सातवा है रेडी टू ईट में हलवा, बर्फी, रोटी व लड्डू बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं प्रेग्नेंट महिला। ये प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही अच्छा आहार है, इसे रेडी टू ईट फूड कहा जाता है। ये प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत अच्छा होता है, या किसी भी सरकारी संस्था में भी मिल जाता है ये। और ये आप ऐसे खरीद सकते हैं इसको और अपने डॉक्टर की सलाह पर ये ले सकते हैं। ये प्रोटीन व कैलोरी से भरपूर होता है ये बहुत अच्छा फूड है रहने के लिए प्रेग्नेंट महिला के लिए। इस फूड का उपयोग अवश्य करें, इससे देख सकते हैं आप कितना है ये। इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका निशान है। ये बहुत ही प्योर है, इसमें किसी भी प्रकार के मिलावट नहीं पाया जाता है। इसमें मात्र इन चीज़ों का मिश्रण होता है इन सभी का। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन और कैलोरी से भरपूर होता है ये FSSAI द्वारा परीक्षण किया गया हो। इसलिए इस फूड को अपने प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने मन की इच्छा अनुसार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।